बार बार बोल रहे हैं क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो। तुम देख रहे हैं एक दो क्वेश्चन हम लोग को गैप दे दे के बनाना पड़ रहा है, मतलब उसको समझाने के लिए और कॉन्सेप्ट बोलना, मतलब एक एक क्वेश्चन बनाने के लिए 20-20 मिनट 15 मिनट तो पहले बताने पड़ता है कि करने का वाले समझी। और फिर जैसे एक क्वेश्चन बनाते हैं तो उसका दूसरा टाइप का क्वेश्चन ही नहीं मिलता, नहीं समझा। सेम टाइप पे 3-4 क्वेश्चन है तब ना ये को बनाएगा, 2-3 तू बनाएगा, लेकिन टाइप ही चेंज हो गया, कोई करने का नहीं, जो है भाई यही बनाना पड़ेगा, बुक यही मिला है। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर लैंड इज 1200 स्क्वायर सेंटीमीटर, इफ द लेंथ ऑफ द स्क्वायर लैंड ऑफ एरिया 1200 स्क्वायर सेंटीमीटर इज, एक स्क्वायर लैंड है उसका लेंथ 40 सेंटीमीटर है और उसका एरिया 1200 स्क्वायर सेंटीमीटर, 1200 तो बोल रहे लेटेस्ट राइट बाय कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड विच इज ड्रॉन ऑन इट्स डायगनल, विच इज ड्रॉन ऑन इट्स, एक तो रेक्टेंगल है इसका बाबू एरिया कितना है 1200 स्क्वायर, कोई दिक्कत, और इसका लेंथ कितना है, सही बात पता है, हमको निकालने का दिया है, बोला ये जो स्क्वायर लैंड है रेक्टेंगुलर लैंड है इसका जो डायगनल होगा, इसका डायगनल पे एक स्क्वायर बनाइए, इसका एक स्क्वायर बनाइए, इसका डायगनल पे जो स्क्वायर बनेगा, ये जो ग्रीन वाला स्क्वायर बना है ये कैसा स्क्वायर है, इट इज एन स्क्वायर विच इज फॉर्म्ड ऑन द डायगनल ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब जो रेक्टेंगल का डायगनल होगा वही ये वाला स्क्वायर के लिए साइड का काम कर देगा, वही वाला ये वाला स्क्वायर के लिए साइड का काम कर देगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो डायगनल है रेक्टेंगल का उसका लेंथ निकालिए, उसका लेंथ जो होता है डायगनल का रेक्टेंगल के लिए वो होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी, तो लेंथ तो पता है 40, ब्रेथ पता है, तो सबसे पहला काम का रेक्टेंगल का ब्रेथ निकालिए, फिर जो रेक्टेंगल का ब्रेथ है और लेंथ है उसका यूज करके रेक्टेंगल का, और जो रेक्टेंगल का डायगनल होगा वही स्क्वायर के लिए, और उसको ए स्क्वायर कर देंगे, उसको समझ पाया क्या। तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द फॉर्मूला नो, इंग्लिश पढ़ के डायग्राम बनाने के, करने को क्या बोल रहा है, तो करने को बोल रहा है एक तो रेक्टेंगल है उसका एरिया 1200 है, देख एक मिनट का काम है अगर समझ गया तो, एक तो रेक्टेंगल है उसका एरिया 1200 है, उसका लेंथ 40 है, उस रेक्टेंगल का डायगनल पे एक स्क्वायर बना दीजिए, वो स्क्वायर का एरिया कितना होगा, तो ये निकालने के लिए क्या लगेगा, स्क्वायर रेक्टेंगल का डायगनल, रेक्टेंगल का डायगनल निकालने के लिए क्या लगेगा, रेक्टेंगल का लेंथ है और मेरे को रेक्टेंगल का ब्रेथ पता नहीं। अब देख कैसे बना रहे, ध्यान से देखो, एरिया रेक्टेंगल का कितना है, सही बात सही बात, लेंथ कितना है, पक्की बात, ए भाई अकॉर्डिंग टू सम एरिया कितना दिया है 1200, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू 1200 बाय लेंथ, और लेंथ का वैल्यू है, तो ब्रेथ कितना हो गया, ब्रेथ नाउ ब्रेथ कितना हो गया, डायगनल ऑफ रेक्टेंगल, तुम लोग पूरा लिखना, रेक्टेंगल डायगनल ऑफ, क्या होता है डायगनल का फॉर्मूला, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस, एल का काम कौन कर रहा है, 40 कौन कर रहा है, पक्का, अब ब्रेथ का काम, तो लेंथ स्क्वायर 1600, ब्रेथ स्क्वायर दोनों को जोड़े तो 2500 का रूट 50 होता है, कितना होता है, तो पता है वो 50 क्या है, 50 इज द लेंथ ऑफ द, 50 इज द लेंथ ऑफ, 50 इज द लेंथ ऑफ, एंड दैट इज द साइड ऑफ स्क्वायर, दैट इज द साइड ऑफ, दैट इज द साइड ऑफ, रेक्टेंगल का डायगनल, डायगनल पूरा लिखना, ऑफ रेक्टेंगल, डायगनल ऑफ इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर, इज इक्वल टू साइड ऑफ, पक्की बात, पक्की बात, साइड ऑफ स्क्वायर को हम लोग कितना बोलते हैं, तो साइड ऑफ स्क्वायर को बोलते हैं ए, और आया है वो 50, ए इक्वल टू, पक्का बात, पक्का बात, तो एरिया का होता है स्क्वायर का, ए स्क्वायर माने 2500 सेंटीमीटर
क्वेश्चन क्लियर हुआ? हाँ। सॉल्यूशन क्लियर हुआ? हाँ। क्या था क्वेश्चन? एक तो रेक्टेंगल, उसका एरिया 1200 है, उसका लेंथ 40 है, उसका डायगोनल पे एक स्क्वायर बनाइए और उस स्क्वायर का एरिया बताइए। तो हम कहा कि रेक्टेंगल का डायगोनल का लेंथ निकाले और उसी का नाम रख दिया साइड ऑफ स्क्वायर और उसको बोल दिए ए, और ए का एरिया क्या होता है स्क्वायर का। बोलो क्लियर है? अच्छा तो एक तो नया कॉन्सेप्ट लगेगा फिर क्वेश्चन नंबर 12 में, एज आई सेड अर्लियर 10 नंबर क्वेश्चन में, कि हर एक क्वेश्चन जो अपना बुक का है 15 क्वेश्चन है, 15 अलग अलग कॉन्सेप्ट का है। नहीं समझा? क्वेश्चन आसान कब होता है पता है? जब वो समझ आता है और एक टाइप का हम एक क्वेश्चन किए, फिर हम एगो और किए, फिर एगो और किए, और उसमें 7-8 सेम टाइप का दिया, तो तुम 4-5 को करेगा। नहीं समझी? ये है ही नहीं है। हर एक टाइप में क्या हो रहा, क्वेश्चन का चेंज हो रहा, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो है वो है। अब आया क्या एरिया ऑफ द फोर वॉल, एक तो कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज एरिया ऑफ द फोर वॉल। जैसे हम अगर ये रूम का बात करें तो ये वाला दीवार, वो वाला दीवार, ये वाला दीवार, ये वाला दीवार, ये चारों का दीवार का जो एरिया का सम होगा उसी को बोलते हैं एरिया ऑफ द फोर वॉल। एरिया ऑफ द, अरे ये दीवार का एरिया, ये दीवार का एरिया, ये दीवार का एरिया, ये दीवार का एरिया, इसी को क्या बोलेंगे एरिया ऑफ द फोर वॉल। जैसे ये थोड़ा सा दिख रहा है, अगर हम ऐसे मान ले रहे कि यही मेरा रूम है, तो ये दीवार का एरिया, ये दीवार का एरिया, ये दीवार का एरिया, ये दीवार का एरिया, क्या हो जाएगा एरिया ऑफ द फोर वॉल, एरिया ऑफ द फोर वॉल। अगर हम बात करें तो मेरा रूम समथिंग ऐसा है कुछ, है ना, ये वाला का एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, एरिया ऑफ द फोर वॉल, है ना। ये चारों का मिला के जितना एरिया होता है इसी को हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ द फोर वॉल। अब तुम अगर दिमाग लगा के देखेगा, अगर हम पूरा रूम का बात करें, है ना, ये पूरा रूम का बात करें और सेप, सारा ही सेप अवेलेबल है, ये भी एक रूम ही है। अगर हम सारा सेप का बात करें तो ये वाला चीज उसका लेंथ है, ये वाला चीज उसका ब्रेथ है, ये वाला चीज उसका हाइट है। लेंथ, ब्रेथ, ये सरफेस कैसा सरफेस है, रेक्टेंगल, कैसा सरफेस है, इसका लेंथ का काम तो लेंथ कर रहा है, क्या इसका ब्रेथ का काम हाइट नहीं कर दे रहा है? मतलब बोल सकते इसका जो एरिया होगा वो एल इंटू एच होगा। अरे फॉर्मूला एल इंटू बी ही होता है रेक्टेंगल का, मेरा बी का काम नैच कर दे रहा है। नहीं समझा? हम बोल रहे हैं कि हम एक तो रेक्टेंगल का एरिया लिखेंगे एम इंटू एल, एम इंटू, हम बोलेंगे हम लेंथ को बोलेंगे एम और ब्रेथ को बोलेंगे एन, वो तो मेरा ना मर्जी है। तो इसका जो एरिया होगा ये वाला सरफेस का, ये सरफेस का, ये सरफेस का, ये वाला ही को तो हम लोग बोलेंगे ना एरिया ऑफ द फोर वॉल। अगर मेरा रूम ऐसा है तो ये चारों मिलके क्या होगा एरिया ऑफ द, तो ये वाला जो शेप है इसका एक ऐसा शेप है रेक्टेंगल, इसका एरिया क्या होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ का काम कर रहा है तो इसका एरिया क्या होगा एलएच, इसका एरिया, और इसका अगर एलएच होगा तो इसका भी, सही बात है, तो दो बार एलएच। अब इसका बात करें, ये वाला चीज कौन है ब्रेथ, ये वाला कौन है हाइट, इसका एरिया क्या होगा ब्रेथ इनटू हाइट, इसका एरिया, इसका एरिया, क्योंकि ये भी एक तो रेक्टेंगल ही है और इसका लेंथ का काम बी कर दे रहा है और ब्रेथ का काम एच कर दे रहा है, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया, तो दो बार बी एच, दो बार एल एच, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो एरिया ऑफ द फोर वॉल नहीं हो जाएगा, तो एरिया ऑफ फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल, इसका फॉर्मूला होता है दो बार एल एच, दो बार बी एच, अगर हम कॉमन ले ले टू और एच कॉमन ले ले, मतलब किसी भी रूम का, किसी भी रूम का जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द फोर वॉल का वो होता है टू एच हाइट इंटू एल प्लस बी, टू इंटू हाइट इंटू एल प्लस बी। अब अगर हम ई दोनों को इकट्ठा लिख दें, टू एल प्लस बी को एक साथ कर दें और एच को थोड़ा सा पीछे लिख देते, कुछ अलग किया है, एच को आगे की जगह पीछे कर दिए, तो ये वाला चीज पता है क्या, पेरीमीटर, क्या है, और ये वाला चीज, ये वाला चीज, मतलब क्या पता है इसका, कि एरिया ऑफ द फोर वॉल इज टू इंटू एच इंटू एल प्लस बी, या फिर टू एल प्लस बी को इकट्ठा पेरीमीटर लिख दे इंटू, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ द फोर वॉल, टू एल प्लस बी इंटू एच, उसी को बोल सकते हैं पेरीमीटर इंटू, पेरीमीटर इंटू, अगर निकालने देगा तो फॉर्मूला में एल बी एच का वैल्यू पुट करेंगे और अगर एरिया ऑफ द फोर वॉल दे देगा तो ये वाला फॉर्मूला से उसको हो गया बात खत्म। चलो पढ़ो क्वेश्चन, बोल रहा था एरिया ऑफ द फोर वॉल ऑफ अ रूम इज 20-42 मीटर, निकालने नहीं देंगे हम तुमको एरिया बता दिए कि एरिया ऑफ द फोर वॉल कितना है 42, मतलब पता है ये वाला चीज निकालने नहीं दे रहा, ये वाला चीज का वैल्यू दे दे रहा है
और अगर इस चीज का वैल्यू दे दिया तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला से उसको देखा जाएगा आगे। एंड द एरिया ऑफ द फ्लोर, जो फ्लोर है उसका एरिया कितना दिया है, 12 मीटर स्क्वायर, सही बात। एंड लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ द रूम, इफ द लेंथ ऑफ द रूम इज, रूम का जो लेंथ है वो 4 है, रूम का जो लेंथ है वो 4 है, हमसे रूम का हाइट मांग रहा है, रूम का देख इंफॉर्मेशन क्या का दिया है, एरिया ऑफ फोर वॉल दिया है, एरिया ऑफ फोर वॉल्स कितना दिया, 42 मीटर, ऑब्वियसली एरिया है तो मीटर, और का दिया रूम का लेंथ दिया है, रूम का कितना दिया है 4 मीटर, और का दिया है एरिया दिया रूम का, एरिया ऑफ फ्लोर कितना दिया पता है 12 मीटर, और मांगा का है, मांगा क्या है, तो ध्यान से देख, ध्यान से देख मेरा भाई, ध्यान से देख एकदम, ये वाला को लिखेगा बॉक्स करके, फॉर्मूला है देख, एरिया ए भाई एरिया कितना दिया है 12, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, पक्का बात, लेंथ कितना दिया है, ब्रेथ कितना हो गया 12 भाई, तो ब्रेथ इज इक्वल टू और लेंथ तो लोग दिया था कितना, ई का ची दिया है, एरिया ऑफ अकॉर्डिंग टू सम, फिर से एरिया ऑफ फोर वॉल्स कितना है 40, कितना है, और एरिया ऑफ फोर वॉल का फॉर्मूला क्या होता है, 2L+B इंटू इक्वल टू, दो को उधर डिवाइड दे देंगे, L कितना दिया है 4, B कितना निकाले हैं 3, H हमको पता नहीं है क्योंकि निकालना है, 42 बाई 2 कितना हो गया, कितना हो गया 20, आई दोनों मिलके 7H इज इक्वल टू डिवाइड H इज इक्वल टू, H is equal to? देख समझ में आया कि नहीं आया भाई, कुछ समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है कि हर एक क्वेश्चन अपने आप में नया क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन अपने आप में नया क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तुमको हम बना रहे हैं तो पहले एक नया कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, एक क्वेश्चन बना रहे, तुमको मजा कब आएगा, तेरा बुक में रहेगा दो ना, कि एरिया ऑफ फोर वॉल पे भैया और 3 क्वेश्चन है, हम एक और बनाए दो तुमको बनाने दिए, अब नहीं है तो हम क्या करें, तो तुम्हारा काम क्या, जो हम दे रहे हैं उसी को घर जाके फिर से बना, कोई नया नहीं बनाना, जो दिए हैं उसी को फिर से बनाना, फिर स्कूल में ऐसे करेंगे तो इसी टाइप का और नया नया क्वेश्चन मिलेगा, तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट अगेन, एक मिनट में करेंगे रिवीजन भैया, ये आपका रूम, ये चारों का जो एरिया होगा उसी को बोलेंगे एरिया ऑफ द, ये एक को रेक्टेंगल है, रूम का हिसाब से लेंथ है, ये वाला चीज ब्रेथ है, ये हाइट है, ये जो सरफेस है इसके लिए आपको एल और एच लग रहा है, मतलब आपका ब्रेथ का काम एच कर दे रहा है रूम का, तो ये हो गया एल एच, तो ये भी ए का होगा, ब्रेथ इंटू हाइट, तो इसका एरिया बी एच, तो इसका भी BH. तो दो बार एल एच, दो बार BH. दो बार एल एच, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो काम मिल जाएगा, बस खाली कहा कि एच को कॉमन लिए, 2L+B और एच को पीछे करके लिख दिए, एच को पीछे, तो 2L+B का होता है पेरीमीटर, और ये क्या है, और अच्छा से लिखना तो पेरीमीटर ऑफ बेस या फिर फ्लोर लिख सकते हैं, क्लियर है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट पार्ट, एंड व्हाट इज द क्वेश्चन नाउ, एरिया ऑफ द फोर वॉल दे दिया, लेंथ दे दिया, एरिया ऑफ द फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर 12 दिया, एरिया का फॉर्मूला था लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ पुट किए ब्रेथ निकाले, एरिया ऑफ द फोर वॉल का मैग्नीट्यूड दे दिया, और जब भी मैग्नीट्यूड देता है फॉर्मूला से इक्वेट कर देते हैं, तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से बोले ये वाला इक्वेटिंग हम लोग का टाइप 1 हुआ कि टाइप 2, हम क्या बोले टाइप 1 और टाइप 2 के अलावा मेंसुरेशन में कुछ होता ही नहीं है, बस खाली क्या होगा अलग अलग क्वेश्चन आएगा तो अलग अलग फॉर्मूला लगेगा, एरिया देगा तो एलबी से इक्वेट करेगा, एरिया ऑफ द फोर वॉल देगा तो 2 × L+B × एल निकाल दिया था, बी निकाल चुके थे, पुट कर दिया एच, टी बोल आया कि बाउंसर लिया, छाप एक सेकंड के अंदर, इतना प्यार से बोल रहे प्लीज, आई हार्डली से है ना, तो बदमाशी नहीं करूं, चलो क्वेश्चन पढ़ो, ये अच्छा क्वेश्चन है, नो न्यू कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड, ये क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, नया कॉन्सेप्ट का कोई जरूरत नहीं है, तो उसको खोज रहा है, मरम्मत इज वेरी नेसेसरी, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है लेकिन ये इजी है, नया कॉन्सेप्ट जरा भी नहीं लगेगा, बढ़िया है, रुक जाओ बात नहीं कर, चुप हो जा मेरा भाई, पैसा लेगा एक एक जन को 500 देंगे बात नहीं करने का, मजे ही आ जाएगा, हाँ
एक एक जन को 500 रुपया देते बात नहीं करने का, बोल रहा चला यही मामला था, मुंह में टेप लगा के चलाएंगे सारा जिंदगी बात नहीं करेंगे, सबको 500 देंगे, ठीक है बात नहीं करो, सबको 500 मिलेगा। देखो भले नकली नोट मिलेगा, भागम भाग फिल्म नहीं देखा है ऐसा, भागम भाग ने वो मेरा तेरी, हाँ उसमें कैसे अमिताभ बच्चन वाला नोट रहता है, हाँ वही उसमें गांधी जी नोट वाला रहेगा देखो नहीं वाला बताता है बाल कैसे उगती है रे बाबा, देखा वो फिल्म, मूवी नहीं देखती हो क्या हुआ, हाँ किडनी में हार्ट अटैक आ जाएगा 500 लेके भाई, हम पढ़ाने का पैसा लेते हैं, हंसाने का नहीं, इधर दे ना, हंसने लगता है सब, पागल हो गई है अब तो मिर्गी आने से चप्पल सुनाता है ए भाई देखना भाई भाई देखने इधर, इजी क्वेश्चन है, रुक जाओ रुक जाओ, ए चुप हो जा भाई, तो 500 देंगे बता, बोल रहा है सुजाता सुजाता और यो सुचिता बोल रहा है क्या, सुजाता विल ड्रॉ, बात नहीं अब सुजाता विल ड्रॉ रेक्टेंगुलर पिक्चर ऑन द पेपर विद एरिया, बात नहीं करो बात नहीं करो, विद एरिया 84 तो बोल रहा है एक तो रेक्टेंगुलर लैंड है सुजाता, एक तो रेक्टेंगुलर लैंड बनाई है पेपर से रेक्टेंगल बनाई है, उसका एरिया है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक्स लिख दिए, तो लेंथ को अपना मन से अगर बोल दे एक्स और ब्रेथ को बोल दे वाई, लेंथ को बोल दिए लेट बाय लेंथ इज इक्वल टू एक्स, ब्रेथ इज इक्वल टू वाई, सही है, तो भैया एरिया जो होगा क्या होगा, और एरिया क्वेश्चन में कितना दिया भाई, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है, पक्का, दो अननोन है, एक इक्वेशन है सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन और लगेगा, तो अभी तो और बात बाकी है, तो बोल रहा था डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ इज 5, इसका मतलब क्या होता है, बोल रहा है ना लेंथ और ब्रेथ का डिफरेंस ना 5 है, मतलब अगर लेंथ 15 हो तो ब्रेथ 10 होगा, लेंथ अगर 20 होगा तो ब्रेथ 15 होगा, लेंथ अगर 50 होगा तो ब्रेथ, इसका मतलब क्या, लेंथ और ब्रेथ दोनों को आप माइनस कीजिएगा तो 5 मिलेगा, कितना मिलेगा, हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू सम सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x माइनस y इक्वल टू 5, x माइनस y इक्वल टू 5, बोलो आया कि ऊपर से गया, तो एक बोला है एरिया इज इक्वल टू 84 और लेंथ और ब्रेथ का डिफरेंस जो है, तो लेंथ अगर 50 होगा तो ब्रेथ 45, तो लेंथ से ब्रेथ माइनस करेंगे तो 5 नहीं होगा, मतलब पता है इनडायरेक्टली क्या बोला, लेंथ माइनस ब्रेथ इक्वल टू 5, लेंथ माइनस ब्रेथ इक्वल टू 5, बोलो क्लियर है, अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देख लो फिर से, तो फिर से मेरा भाई एक इक्वेशन है xy इक्वल टू 84, एक इक्वेशन है x माइनस y इक्वल टू 5, चुप, तो x इक्वल टू y प्लस 5, इक्वेशन दो है और अननोन भी दो, वो सॉल्वेबल है, तुम कर पाओ चाहे नहीं कर पाओ सॉल्वेबल है, तो हम कहा कि x इक्वल टू y प्लस 5 लिखे, xy इक्वल टू था 84, x का जगह पे पुट कर दिए, x का जगह पे पुट कर दिया y प्लस 5, पहले से y, तो y स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 84, फैक्टराइज किए, फैक्टराइज करके आइदर और किए, यहां तक पहुंचे, अब देखो y का वैल्यू, y क्या चीज है, ब्रेथ, ब्रेथ कभी नेगेटिव तो नॉट पॉसिबल है ना, नॉट पॉसिबल, तो ब्रेथ का काम कौन कर रहा है मेरा भाई, बोलो बोलो, ब्रेथ इज इक्वल टू 7, ब्रेथ इज इक्वल टू 7, पक्का बात, पक्का बात, और लेंथ आप खुद लिखे हैं, नो हमने लिखे हैं क्वेश्चन में दिया है, लेंथ कितना है x और x का वैल्यू कितना है y प्लस 5, y कितना है 7 प्लस, तो लेंथ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू, भैया जो निकाले हो सही है कि गलत उसका दो पहचान, 12 से 7 को मल्टीप्लाई कीजिए 84 एरिया आएगा, सही है, और 12 है लेंथ, ब्रेथ है 7, दोनों को माइनस कीजिए डिफरेंस 5 आएगा, मतलब जो आंसर निकाले हैं, इसका मतलब क्या पता है कि जो इक्वेशन में सॉरी जो क्वेश्चन में इक्वेशन फॉर्म होता है उसका लिए पीछे जाके देखने ही नहीं पड़ता आंसर, जिसमें फाइंड होता है लाइक लेंथ दे दिया तुमको 50, ब्रेथ दे दिया 22, बोला डायगनल कितना होगा, वो तो निकालने का है ना, तो यू कैन कैलकुलेशन जो तुम्हारा सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, तो तुम मैच करेगा, लेकिन जहां इक्वेशन बनता है
वहां पे आंसर नहीं देखना पड़ता है भाई। लेंथ दिया 12, ब्रेथ दिया 7, तो एरिया होगा 84 एरिया दिया। लेंथ दिया 12, ब्रेथ दिया 7, दोनों का डिफरेंस करेगा तो लेंथ और ब्रेथ का डिफरेंस भी कितना दिया। बोलो क्लियर है? चलो छापो।